वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई होप सो सारे अच्छे ही होंगे। सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी यार बाइक का एक पार्ट मंगवाया हुआ था, टूटा हुआ साइड से, तो वो काफ़ी महीनों के बाद आया है तो वो डलवाने जा रहा हूँ। उनका फ़ोन भी आया हुआ था एंड मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना लूँगा एंड बाइक को थोड़ा सा और जनरल सर्विस करवानी है, बिकॉज ना लास्ट सर्विस तो करवाई थी लेकिन उसके बाद ना बाइक में बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं, चेन में इशूज़ आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रही है। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं एंड जो कुछ नया ऐसा कि भाई मोटो व्लॉगिंग है ना, तो पहले तो मैं सोचा था फ़ोन वगैरह करूँगा बट अब मेरे पास GoPro आ गया था तो मैंने GoPro ही सेटअप कर लिया था। सो देखते हैं कैसा मेरा रहता है रिव्यू इसका, मतलब अपने हिसाब से बताऊँगा कि मतलब कैसा सही लगता है कि नहीं। मेरे हिसाब से मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है, ऐसा यूजली मैं फ़ोन से ही करता हूँ बट आई विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन GoPro कि मैं GoPro से करूँ। आई रियली डोंट नो कि मतलब ना कैसी अभी आवाज़ आ रही है आपको प्रॉपर आ रही है, क्योंकि माइक तो मैंने सेटअप करा हुआ है एंड माइक भी मैंने सोनी का लगाया है इसमें एंड बाइक की हालत तो ख़राब ही है। निकालते हैं पहले बाहर, थोड़ी देर स्टार्ट करेंगे। अब ये तो एडिटिंग में पता लगेगा यार माइक का कितनी साउंड आ रही थी कि नहीं आ रही थी, बट ऐसी अपनी सोसाइटी है। एंड ये अपनी बाइक करते हैं अब हम स्टार्ट। यार पेट्रोल भी दलवाने वाला हो गया हुआ है, वेट न्यूट्रल तो करी नहीं, थोड़ी देर रखते हैं स्टार्ट, है ना। सो ऐसा सा कुछ अभी लुक है बाइक का यार, गंदी काफ़ी है बट सो अभी चलते हैं, बस थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं। अपनी सोसाइटी भी देख सकते हो, सुंदर सी है। अभी काम कुम चल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो इसीलिए इतना वो नहीं है, लोगों ने शिफ्ट भी करा हुआ है बड़ी बिल्डिंग्स में भी। इस साइड है 3 फ्लोर वाली, इस साइड ये 14 फ्लोर वाली है, ऊपर तक देख सकते हो भाई। तो चलते हैं, जय माता दी। जैकेट की जिप भी बंद कर लेते हैं भाई, ठंड हो गई है। ऐसा नहीं है कि जम्मू में एक्चुअली पहले आई है चंडीगढ़ इस साइड, अभी पंजाब वाली साइड कम है, दिन में इतनी नहीं लगती बट रात और सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब टाइम भी हमारा हो गया हुआ है 9:48, मैंने 9:30 का अपॉइंटमेंट लिया था बट अभी मुझे जाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एरिया। ले बंदी हो गई ले, तो मेरे को यहाँ से जाना है इंडस्ट्रियल एरिया यार। तो अब वहाँ तक पहुँचने में आई थिंक हार्डली मेरे को 30 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। अपनी सोसाइटी, ये रहा अपना फ्रंट एंड बंदे, ये रहे अपने अंकल जी, तो बाकी ये आउटर ये अपना शॉप्स इस साइड है एंड नियरेस्ट पे मिल जाता है अब मैं सब कुछ ही। आउटलुक्स भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं, आउटलुक वगैरह रुक जाओ। क्या लग रहा है कि अब जैसे माउंट तो करा हुआ है मैंने बट ऐसे डर लगता ना यार कि गिर जाए गिर जाए गिर जाए, गिर गया तो फिर हो गया भाई क्या करेंगे, पैसा बर्बाद हो गया फिर तो। तो ऐसा सा अपना आउटर है, थोड़ी रोड में सब है, काम वगैरह चलता रहता है बट ये रहा स्पीड अपनी। यहाँ पे खींच सकता हूँ मैं इस हाईवे पे, लेकिन चंडीगढ़ जाके एक मॉडरेट स्पीड हो जाती है, 45 की स्पीड है बाइक के लिए, गाड़ियों के लिए आई थिंक 50 की है आई गेस, 50 या 55 की आई गेस, या 60 की है, कहीं कहीं जगह फोर्ट मतलब चेंज होती रहती है अलग अलग जगह के हिसाब से। सो यार अपने कुछ आउटलेट्स वगैरह हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, मिल जाते हैं वैसे। एंड अगर हमें कुछ लेना होता है, ये अपना हाईवे एंड ये सीधे डायरेक्ट चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ ही जाएगा। आना यार हमेशा राइड सेफ, हेलमेट हमेशा वेयर करके रखो, कहीं भी जा रहे हो हेलमेट वेयर करके रखो यार। हाँ ठीक है, घर के पास जा रहे हो थोड़ा सा तब थोड़ा लीनियंसी कर सकते हो बट स्टिल अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है यार, तो ट्राई करो कि वेयर करो हेलमेट। सो तो यार मैं थोड़ा सा रुका था देखने के लिए ना, है ना, एंगल्स वगैरह सही आ रहे कि नहीं, बट अभी मेरा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इतना नहीं समझ आ रहा, मतलब कि ना एंगल सही रह रहा है कि नहीं रह रहा। थोड़ी सी क्लिप्स हैं, मतलब क्लिप तो ठीक बनी है बट ये है ना जो मैं जब बता रहा था दिखा रहा शायद से वो अच्छे से नहीं आया, तो मैंने अभी सुपर व्यू वाइड मोड ऑन कर दिया इसका, तो उसमें अभी आई थिंक वाइड काफ़ी दिखेगा इसमें ना, सारा दिख जाएगा तुम्हें तो अभी सही है यार। मतलब शुक्र एक बार ना देख लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो मेरी तरह तो यार बीच में रुक के एक बार देख लो कि यार क्लिप आपकी ठीक बन रही है कि नहीं, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम है
तो होएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बट धीरे धीरे अब एक तरह से फ्लो बन जाए ना यार, तो फिर तो सही आएगा। और मैं पेट्रोल ना इसका चंडीगढ़ से दिलवाऊँगा, चंडीगढ़ में थोड़ा सस्ता है क्योंकि यूटी है एंड पंजाब वाली साइड पेट्रोल महंगा है। भाई देख सकते हैं चंडीगढ़ एंटर ऑलमोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अपना ये आ गया वेरका, वेरका यहाँ पे सारे देख लो, इनकी प्रोडक्शन यूनिट भी है, सारा कुछ यहीं पे हो रहा है इनका। एंड यहाँ पे वेरका काफ़ी है यार, ठीक है, आउटलेट्स इसके अंदर भी है, मतलब जा सकते हो, विजिट करो, देख सकते हो। एंड ये रे यहाँ से गेट है, आगे इसके स्टोर्स भी हैं एंड काफ़ी कुछ मिल जाता है यार खाने पीने के लिए, दूध वगैरह है ना जो आपको लेना है। तो अभी देख लो मॉडरेट स्पीड होने वाली है हमारी, 55 तक चल रही है अभी ना यहाँ पे, आगे जाके और कम हो जाएगी। यार अभी मैंने पेट्रोल डलवाना है, टाइम भी यार 10:03 हो रहे हैं, फिर रश हो जाएगा ना, ऊपर से संडे है, संडे को ऑलमोस्ट सारे बंदे आते ही आते हैं, तो पेट्रोल डलवाना तो यहीं से अंदर थी लेन होने की, तो यहीं से हो सकते थे, तो अभी यहीं से आएंगे अंदर, अपनी हवा वगैरह भी चेक कर लेंगे, तो चलते हैं। बाइक स्कूटी का इसी साइड है आई गेस सो। डलवाते हैं यार पेट्रोल। अब मैं डलवाऊंगा 210 का भैया, 210 का डाल देना, नहीं नहीं नॉर्मल। कि अपना पेट्रोल फ्यूल अप हो चुका है, ज़्यादा नहीं भरवाता यार, नॉर्मल यूज़ कर लिया कि नहीं। तो भाई मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे हूँ अभी, मेरे को बस मतलब हार्डली लगा लो 5 से 6 मिनट लगने हैं, एंड इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड ही है ये सारा। देखो भाई हम ऑलमोस्ट पहुँच गए, ये अंदर वाली रोड हमें आगे पहले आगे से पकड़नी चाहिए थी, पुलिस वाले सामने ही है भाई। वैसे यहाँ पे है खाने के लिए, यहाँ पे देख लेंगे क्या है खाने के लिए मिलेगा, मिल तो रहे हैं अंदर आई थिंक हमने, हाँ यहाँ से जाना ना, ये रहा, ये टाटा मोटर्स का भी यहीं पे है और सुजुकी वालों का भी यहीं पे है। तो चलो यार बाइक तो लेके चले, बंदे रश में को लग रहा है नहीं, सो लेट्स गो। पार्ट दलवाना है इसका, पार्ट है ना साइड वाला आया हुआ है वो दलवाना है। नहीं सर्विस तो होगी हुई है, कोई नहीं, जॉब कार्ड बनवा लेते हैं अंकिल। सो भाई यहाँ से अपना बनना जॉब कार्ड, बैक साइड मारना चाहिए, ये सब तो हैंडल चेंज करने के कितने ऐसे ठीक है, वाइट रहता है सारा कुछ, कवर हो जाता है इसमें यार, है ना। बाइक अपनी लगी हुई बाहर ही, लेकर आते हैं जॉब कार्ड, चलते हैं। तो जॉब कार्ड भी बन गया हुआ है अपना, एंड बस अभी टाइम लगना है अपन को, क्योंकि मेरे से पहले कस्टमर आए हुए हैं, तब तक मेरे को लगी भूख यार, आई वांट टू ईट समथिंग, कुछ खा लेता हूँ उसके बाद बाकी देख लेंगे यार। क्या क्या है भाई? छोला चावल, कड़ी चावल कॉम्बो। अच्छा छोले भटूरे, छोले चावल, कड़ी चावल कॉम्बो। अच्छा क्या है आपका सबसे ज्यादा कोई बढ़िया लगा दो, फिर क्या लगाएं बताओ, भटूरे लगा दो, भटूरे बैठो सर, लगा दो भटूरे, लगा दो तो भी खाने लगे भटूरे, टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। आ तो गए अपने, इसके साथ है रायता, साथ में है चने, साथ में अपने प्याज और मिर्ची का अचार। भैया भटूरे बहुत टेस्टी थे, बहुत बनाते हैं। हाँ जी हाँ, सही में बहुत मतलब ना सही में टेस्टी थे, एंड मैंने सुबह से खाया भी नहीं था, सीधे सर्विस करवाने आया था। एंड अगर भैया के पास आपने खाने हैं तो आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया, टाटा का शोरूम है, टाटा के शोरूम के बिल्कुल साथ में। थैंक यू।
ऐसे कब से कर रहे हो? हम 2004 से खड़े हैं यहीं पे। 2004 से पहले यहाँ से पहले पिछली गली के आगे थे बाग के अंदर, उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ परमानेंट इधर ही है। और यार सच्ची बता रहा हूँ, टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड 70 रुपये में मैंने 3 भटूरे खाए और पेट भी भर गया, और फ्रेश का फ्रेश और टेस्टी का टेस्टी। सो थैंक यू भैया। सो तो यार अपने भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया, भैया ने बताया कि भाई जम्मू में भी उन्होंने काम वगैरह करा हुआ है ना, तो ऐसे पूछ रहे थे काम वगैरह से हो, तो यार अच्छा होता है, सही लगता है। बस आप लोग भी चैनल अब सब्सक्राइब करो यार, कब तक ऐसे भी करवाओगे। एंड थैंक यू जितने भी अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं एंड आगे भी करेंगे। मैं रेगुलर रहूँगा यार, सच्ची बता रहा हूँ मैं रेगुलर रहूँगा। अब अंदर बैठते थोड़ी देर, मैं भी थक गया हूँ यार, नहीं तो अगर बाइक नीचे लग गई तो बाइक के पास जाऊँगा मैं, बट अभी मेरे को लग रहा नहीं है नीचे लग। सब बाइक ऊपर ही खड़ी है, मैंने कहा तो चाय पी जाए। सो फाइनली अपनी यार बाइक का नंबर आया, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:19 हो गए, तो बड़ा का नंबर आया इसका। सो चेंज किया है पार्टी को, तो यही बनेगा। पहले बहुत सुनी है तो सीधे पार्ट चेंज करोगे, पार्ट चेंज सीधे। चलो उनका कम जैसे भी आते हैं, सर्विस करते हैं, वर्कशॉप है यहाँ पे। जब तक हम करते हैं बाहर वेट, उसके बाद ही मिलनी है भाई को यार। अच्छा ये लो भाई, भाई से भी मिल लो यार, भाई अपनी वॉशिंग वाले बहुत सही बंदा है यार। लक्की नाम है भाई का। आओगे इस साइड तो भाई से मिलना जरूर। हाँ भाई, और कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर बस बहुत है। सो भाई ऐसा तो कुछ हाल हो गया हुआ है, तो ये पार्ट चेंज करना है उन्होंने भी, टूटी है पूरी यार, भैया लगे पड़े हैं अभी, लंच अभी खत्म हुआ इनका। वही से फाइनली यार बड़ी मुशक्कतों के बाद निकला है यार ये, कैसी सी होगी यार स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत रहती है। नहीं अगर इसको कुछ भी हल्का सा ये पार्ट टूटता ना तो ये ऐसे खुलता है, वहाँ से भी खुलता है, पता नहीं क्या होता है। तो ये एज इट इज़ ये मैं अपने पास रख लूँगा, बट इसका ज़रूरत नहीं थी, बट चलो ये पार्ट आ गया हुआ है। तो ये तेल लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा पड़ जाएगा मेरे पास। तो क्या ही है, बट अब लगता है फाइनली। कितना टाइम लगेगा भैया लगाने में? लग जाएगा आधा घंटा, अभी आधा घंटा और लगेगा यार, 10:30 का आया हूँ मैं। तो यार अपना काम नहीं बना, क्या ही बोलूँ यार, अब उनकी भी गलती नहीं है यार। वो जो पार्ट मंगवाया था ना, वो क्या हुआ था, प्लास्टिक जो है मोल्ड हो गया हुआ था, जो वो पार्ट है उसके अंदर फिट नहीं आ रहा था मेरे में, था तो मेरी बाइक का ही बट वो मोल्ड होने की वजह से फिट नहीं हो रहा था। मैं लिटरली 10:30 का वेट कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गया ऑलमोस्ट, है ना, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, पूरा दिन यहाँ लग गया ऑलमोस्ट, बाकी कुछ काम भी होना फिर बंदे का वो भी नहीं हुआ मेरा तो यार। बाइक तो ऐसे की वैसे ही है, बट इतने घंटे वेस्ट हुए ना मेरे यार, क्या बताऊँ। मैं यहाँ से जाऊँगा 28 की मार्केट से मैंने ना हेलमेट का वाइज़र चेंज करवाना है, एंड मैंने गोपो की बैटरी भी चेंज कर ली थी यार, बिकॉज स्लो हो गई थी, बट सही टाइम निकाल लिया उसने, मतलब 26 थी स्टिल अभी थी, बट मैंने कहा यार एक चेंज कर लेता हूँ। तो मैप्स आ गया, 28 सेक्टर एक पॉइंट 1 किलोमीटर पे है, हटाओ पे, हाँ आ गया ना। तो अपनी बाइक में थोड़ी जो दिक्कत आ रही थी, वॉइस वगैरह आ रही थी, वो सारा दिखाया। चेन अपनी ना लूज थी, चेन टाइट करवा ली है, एंड क्लच भी थोड़ा उन्होंने टाइट करा है, एंड पहले से बेटर हो गया है, अब काफ़ी लूज सा था क्लच पहले, अब सही है।
तो अभी हम जा रहे हैं 28 की मार्केट, बाइजर का पता करेंगे। सो भाई ये है अपनी मार्केट 28 की, यहाँ पे सारी कार्स वगैरह की है ना, सारे काम कुम करवा रहे हैं, टायर्स की है। तो अब यहाँ पे हमें ढूंढना है अपना हेलमेट का, हेलमेट। रुक जाओ, इसके निकलने दो, लगे हुए हैं सारे, लाइट्स लगवा रहे हैं। तो बढ़िया ब्रदर, हेलमेट का कोई नहीं है यहाँ पे? हेलमेट वाला आगे उस साइड। हाँ बैठा रास्ते में। नहीं ये चेंज करवाना है, वाइजर कर देगा वो, शीशा चेंज कराना नहीं, आगे कर। ठीक, थैंक यू ब्रो। भाई ने बताया यहाँ से कि हमने लाल बत्तियों से उधर जाना था। चलो देखते हैं कहाँ है बंदा। ग्रीन लाइट तो है ही है हमारे लिए। लेट्स गो। मैं ना ये नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं जा रहा यहाँ पे, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं कभी और कर लेंगे यार काम ये सब, है ना। मैं सोच रहा हूँ घर वापस चलते हैं। तो ज़्यादा बोर ना हुए बस इस व्लॉग में यार, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करा है। कमेंट डाउन ज़रूर करके बताना यार कैसा तुम्हें लगा, क्या नहीं लगा, क्या ठीक करना चाहिए, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। बट आई एम ट्राइंग कि मैं अब कंटेंट डालूं और करूं, बट जो कि मैं नहीं कर पाता यार हर बार की तरह। बट सुनाई नहीं आ गया अपना फ्लाई, भाई जी साइकिल वाले भैया नहीं मानते, बाकी सब छोड़ो, सीधे तो कुछ नहीं है बाइक किस पे। So, thanks for watching the vlog, and if you like the vlog, don't forget to like, subscribe and share, and वो लाल बटन वाला जो सब्सक्राइब बटन है हमारा, वो दबा दबा के फाड़ दीजिए भाई। एंड